पूरा भरा पड़ा। वाओ सिंगाड़ी सिंगाड़ी है इधर देखो, इसमें सिंगाड़ी लगी हैं पूरे ताल में। रास्ता कितना घूमदार है देखो, वहां से वहां, वहां से वहां, ये पूरा रास्ता बहुत जबरदस्त घुमावे। तो गिर मत जाना, नहीं दुनिया ही दिख रही है इसमें तो, है ना, डूब ना दो अंकल। तो फ्रेंड्स जय श्री कृष्णा, एक बार फिर से स्वागत है आपका फैमिली 21 ब्लॉग चैनल में। और आज हम जा रहे हैं करौली से मंडरायल होते हुए ग्वालियर के लिए। तो आज इसका पूरे रास्ते का रिव्यू मैं आपको रास्ते के अंत में दूंगा, तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपको भी मेहंदीपुर बालाजी या कैले देवी जाना है तो आपको इस रास्ते का रिव्यू जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखें। और रास्ता पूरा मैं आपको दिखाऊँगा जिसमें ये बताने वाला हूँ कि रास्ता कैसा है कैसा नहीं है। तो फ्रेंड्स ये है करौली के पास ही रनगंवा का तालाब, जो करौली से निकलते ही मंडरायल वाले रोड पर पड़ता है और ये काफ़ी अच्छा है देखने में। नहीं जाना बेटे, देखो कैसी जगह, ये देखो भाई क्या छलांग मारी है भाई ने, जबरदस्त सुपर। देखो बच्चे क्या स्विमिंग करना सीख गए हैं जबरदस्त। अरे वाह क्या बात है, मछली बन गया भाई एकदम। मोदी सब चलो, रोज नहीं चलो, लेट हो रहे। फ्रेंड्स अभी तो रास्ता ठीक लग रहा है, काफ़ी हरियाली भी है चारों तरफ, अच्छी सीनरियाँ भी हैं, पहाड़ भी हैं, तो मतलब अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं ठीक कहूँगा, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। अभी का तो रास्ता एकदम बढ़िया है, कहीं पे भी ब्रेकर वगैरह भी नहीं दिख रहे, रोड भी नया बना दिख रहा है, तो देखते हैं आगे भी ऐसा ही मिलता है या फिर और क्या हालत होती है, ये तो आगे देख के पता चलेगा। फ़िलहाल अभी काफ़ी अच्छा रोड है, तो आप भी इसका आनंद लीजिए। और चारों तरफ आपको पहाड़ और जंगल तो दिख ही जाएंगे, तो बहुत ही फेमस जगह है काफ़ी इधर भी है, तो देखते हैं बने रहे मेरे साथ वीडियो में अंत तक। और आपको ये पूरा वीडियो दिखाता हूँ मैं किस टाइप का है रास्ता। तो बेटर ऑप्शन है ये बजाय धौलपुर मसरमथरा वाली रोड से, रोड क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है और रोड ये बिल्कुल मक्खन बना हुआ है, एकदम शानदार रोड बना है। एसपी ऑफिस का कुछ हुआ, कलेक्ट्रेट बन रही है पूरी, अच्छा डेवलप पूरा। और देखो इधर का व्यू भी बहुत बढ़िया है, यहाँ पे चारों तरफ आपको पत्थर की खदानें देखने को मिलेंगी ज़्यादातर इधर, लेकिन यह है कि सीनरी बहुत अच्छी है इधर की, बढ़िया रोड भी अच्छा है, लोकेशन लग रही है बढ़िया, मज़ेदार रास्ता है। तो नया रोड है तो कोई भी टेंशन नहीं है, फ्रेंड्स उम्मीद है ये रास्ता बड़ा अच्छा होगा और इस रास्ते का सफ़र भी बहुत मस्त होने वाला है, सुहाना होने वाला है, क्योंकि ट्रैफिक तो ना के बराबर है इस रोड पे। ये देखो सिंगाड़े पूरे तालाब में सिंगाड़े लगे हुए हैं, पूरा भरा पड़ा। वाओ सिंगाड़ी सिंगाड़े है इधर देखो, इसमें सिंगाड़े लगे हैं पूरे ताल में, और ऐसे सिंगाड़े के ताल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। नानू देख रहा है, रोशनी नानू को दिखाने जा रहा है। सुनो सिंगाड़े टूट रहे हैं क्या है, टूट रहे हैं मुझे लग रहा है। तो भाई व्यू तो एकदम गजब के हैं भाई देखने में, आप भी देख रहे होंगे, मतलब और तो पता नहीं, बाकी व्यूज देखने में आगे बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। ये हमारा पास्ता बता दो, टूटे गड्ढे रोड, ये देखो गाइस नई रोड का क्या, नई रोड का हाल क्या हो रहा है, कचूमर बन गए हैं, हमें लगता है शायद ये भैंसों के लिए बनाया है बस, जिसमें सिर्फ भैंस ही चल सके। मामा ने जितने भी ब्लॉक चलाए सब में भैंस जरूर दिखी है इस रोड में, तो कुछ क्योंकि इस रोड में कुछ ज्यादा ही भैंस है। रोड नया बना है लेकिन क्या है, एक बरसात में टूट गया है,
क्वालिटी बहुत खराब है रोड की, अभी तक तो कुछ खास लगा नहीं। देखते हैं पूरा कंप्लीट होने के बाद यात्रा आपको बताएंगे कि रोड कैसा था। और करौली सरमथरा वाला रोड ज़्यादा अच्छा है कैला देवी जाने के लिए, या ये मंडराइल वाला रोड ज़्यादा अच्छा है कैला देवी जाने के लिए, ये हम आपको पूरी रोड का मुआयना करने के बाद ही बता पाएंगे। पहले हम एक बार अपना सफ़र पूरा कर लें, क्योंकि हम भी पहली बार जा रहे हैं तो पता चल जाए एक बार कैसा रोड है। अभी तक का एक्सपीरियंस तो ये रहा कि सबसे ज़्यादा तो इस पे रोड पे मंडराइल वाले रोड पे तो भैंस बहुत ज़्यादा आपको रोड पे मिलेंगी, जो आपको ड्राइविंग को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली प्रॉब्लम है। और उसके अलावा रोड नया बनने के बावजूद भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब रही होगी शायद इसकी, इसलिए बरसात में पूरा रोड निकल गया है। क्या थोड़ी लेना है, रास्ता बहुत प्यारा है दोस्तों। बस देखो ये मोड़ बहुत जबरदस्त है, यहाँ पे नए मोड़ हैं, ये देखो रास्ता कितना घूमदार है, देखो वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ये पूरा रास्ता बहुत जबरदस्त घुमावे, बिल्कुल गिर मत जाना। उस साइड साइड आओ, तुम बैठो बैठो बिट्टू बैठो बिट्टू, इधर देखो नानू, नानू उधर देखो, ये वो वाला रोड बताऊं कैसे लग रहा है, जैसे हम ऊटी गए थे ना, ऊटी गए थे जब, एक जैसे एक ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर, ऐसे ऐसे वाले लग रहे हैं रास्ते। ये बारिश के मौसम में इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता है बता नहीं सकते। तो फ्रेंड्स ये जलेबी वाले रास्ते का आप मजा ले मेरे साथ, बहुत ही अच्छी घाटी बनी हुई है ये, बहुत ही सुंदर नजारा है यहाँ का देखने का अपने आप में। बेंगाली शानदार नजारा आप देख सकते हो, ये कितने सारे मोड़ है, बहुत नीचे जाना है यहाँ से गाड़ी को, बहुत मजा आने वाला है। मम्मा नानू बैठ जाओ, मैं डाटो में बैठू, आप भी उठ गया पहले। इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो कि जिसने भी रोड बनवाया उस तक भी ये रोड का वीडियो पहुंच जाए, ताकि उसको भी पता चले उन्होंने कैसा रोड बनवाया है। ये देखो, ये देखो भाई, मस्त व्यू है, ये तो बोल रहे हैं जबरदस्त नजारा, देखो इधर से देखो, बहुत ही ऊंची ऊंची घाटियां बनी हुई हैं, और आप देख लो कितने बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं। ये वो वाले रास्ते पर नजारा नजर नहीं आएगा। अरे भाई ये वादियां, ये वादियां तो कोई कश्मीर की वादियों से कम नहीं लग रही भाई, बोलो। फ्रेंड्स अभी निकला है केवल मंडराइल, और मंडराइल निकलते निकलते ही मैं अभी अपने निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा। मंडराइल से ग्वालियर जाने का इस वाले रास्ते से, सॉरी जिसके लिए मैंने बोला कि ये रास्ता अच्छा है नया बना है, बकवास है, एक नंबर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है रोड पे, बहुत डिस्टर्बेंस है, जगह जगह आपको भैंसे रास्ते में मिल जाएंगी हर जगह, और ये बहुत घटी है, बहुत ही घटिया रास्ता, अभी तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और अगर ऐसे रास्ते जाना है तो बेहतर है सरमथरा वाला रास्ता ही, थोड़ा सा टूटा है लेकिन इतना नहीं खराब जितना ये ज़्यादा खराब है। उस रास्ते में इतना खतरा नहीं है किसी प्रकार का, ये थोड़ा सा डेंजर है रास्ता, और अभी तो दिन है, रात के लिए तो बिल्कुल भी 1% भी सेफ नहीं है, 1% अभी मंडराइल पहुँचने में हमको 3 घंटे लग गए। अभी हम अगर उस रास्ते से जाते ना तो धौलपुर को निकल के हम शायद मुरैना, आराम से मुरैना को कवर कर लेते, और अभी मुरैना का तो छोड़ दो, आराम है, दूर दूर तक नाम निशान नहीं है। और रास्ता आप देख रहे हो, सिंगल रास्ता बिल्कुल, इतना बेकार चाहे जितना भी हुए रास्ता, लेकिन दो गाड़ी इनके लिए तो आसानी से गाड़ी निकल ही नहीं पाएंगी इसमें, एक दोनों गाड़ियों को नीचे उतर के ही जाना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड रास्ता निकल रहा है मंडराइल से लेके केला रास्ते वाला। अब देखते हैं कहाँ तक मिलता है ऐसा।
अभी तो बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ में। आप देख सकते हो खुद ही रास्ता कितना छोटा है, कंजेस्टेड रास्ता है। चलो लेकिन हमको एक बार देखना था, देख लिया अभी तो, और अपना तो कोई इरादा नहीं है अब दोबारा इस रास्ते से आने का, चाहे आगे कितना भी अच्छा रहने पड़ेंगे। फिर बाहर अब यहाँ से ग्वालियर कितना है, 123 किलोमीटर ग्वालियर, तो अपने लिए तो वही ज़्यादा सही है। अब यहाँ से 123 किलोमीटर ग्वालियर है तो काफ़ी लंबा पड़ गया इस हिसाब से तो, ये क्योंकि 50 किलोमीटर सर मंडराइल था और 123 ये 180 किलोमीटर लगभग मेरा घर नेट पड़ता है ग्वालियर से, और ये 180 से भी ज़्यादा लंबा पड़ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है इस रास्ते से आने का। चंबल ना दीजिए बटू, चंबल ही तो है ही, चंबल ही है ना, मैंने और क्या बोला। मम्मा इसमें पानी कहाँ चला गया है? बोरा बटू यहाँ पर पानी क्यों नहीं है, यहाँ पर है पानी और वहाँ पर। तो फ्रेंड्स इस रास्ते से जो हम जो देखने आए थे वो था ये वो पुल जो अभी ये चंबल नदी के ऊपर बना है मंडराइल पे, और बहुत ही अच्छा बनाया है ये तो, इसकी लोकेशन भी बहुत ही प्यारी लग रही है सामने से देखने में, और चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ है, पानी है, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त व्यू दे रहा है। तो कोई चांस नहीं है आने के इस रास्ते से, पूरी लाइफ में कभी नहीं आना। और ये पापा खतरे में हो गए, और इसमें ऐसा पोपट बनाया है इस रास्ते का कि भाई अभी तो मुरैना भी नहीं पहुँच जाऊँ, अभी मैं केवल कैलारस को निकला हूँ, तो 5 घंटे तो सफ़र कर चुके और लगता है 1.5 से 2 घंटे और लग जाएंगे ग्वालियर के। तो पहली बार ग्वालियर का कबाई कार, कितने घंटे, 7 घंटे लग जाएंगे, 7 घंटे मतलब कि मेरे को नॉर्मली मैं बहुत स्लो गाड़ी चलाता हूँ आराम से, तो मेरे को 4 घंटे से लगे, 4.5 घंटे में आराम से ग्वालियर से और करौली मतलब पहुँच जाता हूँ मैं इजीली। और अभी 5 घंटे तो चल चुके हैं लेकिन अभी कैलारस में है, और कैलारस से भी अभी ग्वालियर जाना है तो और 1.5 से 2 घंटे का रास्ता और मान लो भाई, क्योंकि यहाँ से कैलारस से मुरैना है 60 किलोमीटर और मुरैना से ग्वालियर होगा लगभग 40 किलोमीटर। तो पोपट तगड़ा वाला हुआ है भाई अब की बार तो, लेकिन कोई बात नहीं, देखना तो था ही एक बार रास्ता, बहुत दिनों से मन था कि इस वाले रास्ते को देखना है, जाना है उस रास्ते से, लेकिन बिल्कुल मज़ा नहीं आया 1% भी, पूरा दिन खराब हो गया। जो इस रोड पर रहते हैं उनके लिए ठीक है क्योंकि उनका रोड इस रोड पे ही उनके घर पड़ते हैं या फिर गांव पड़ते हैं, तो आना ही पड़ेगा और अच्छा है उनके लिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन करौली की तरफ जाना है, करौली वाला कोई भी है, कैला देवी जाना है, मेहंदीपुर बालाजी जाना है, या आपको करौली में कहीं भी जाना है, तो इस रास्ते से फिर बिल्कुल रिस्क ना लें कोई, तो भैया बिल्कुल ना आना कभी दोबारा कोई भी इस रास्ते पर। स्टार्टिंग में मैंने मुझे अच्छा लगा देखने में, मुझे लगा कि बहुत अच्छी लोकेशन है, रास्ता अच्छा है, नया रोड बना है, तो मैंने भी एकदम से बहुत ज़्यादा वो उसमें आ गया इमोशन में, तो बोल दिया बहुत अच्छा है ये वो है, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं है। तो मेरी तरफ से तो पूरी तरीके से रिजेक्ट है ये रोड। तो फ्रेंड्स ये आ गया है सबलगढ़, और सबलगढ़ को क्या कहूँ मैं, सबलगढ़ कहूँ या भैंसगढ़ कहूँ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पूरे रोड पे भैंस ही भैंस बंधी हुई है। कितने का है भैया? 10 रुपए दो बना दो अंकल, मेरे लिए भी एक बोलो। सबलगढ़ का चाट पुला और बढ़िया मजा आ रहा है चाट पुला खाने में, आप भी कभी आए तो चाट पुले का मजा लीजिएगा, बढ़िया मस्त है। तो भाई करौली से लेके मंडराइल होते हुए जो रास्ता रहा वो बेकार, बिल्कुल बेकार एक्सपीरियंस रहा। तो कंक्लूजन ये है कि इस रास्ते से आप बिल्कुल नहीं आए, आपको कैला देवी मेहंदीपुर बालाजी जाना है तो आप ना बाड़ी सरमथरा वाले रास्ते से ही जाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।